देखिए, हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस विफल हो चुका है, जो बहुत वेल प्लान्ड षड्यंत्र साजिश हमारी सरकार के खिलाफ हुई थी वो औंधे मुंह गिर चुकी है। और ठीक है, उन्होंने अटैक किया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। और अब इतना बड़ा गैप हो गया है जिसको बीजेपी फिल कर नहीं सकती। हमारे 34 MLAs हैं, बीजेपी के 25 MLAs हैं, 9 का गैप है। अगर पूरा हाउस बनना हो तो 68 का हाउस होता है, हमें 35 चाहिए, हमें 1 MLA चाहिए, उनको 10 MLA चाहिए 25 से 35 पे आने पे। इलेक्शन 9 सीट्स के लिए हो सकता है, जिनमें से 6 का हो रहा है, 3 का भी घोषणा नहीं हुई है। तो जब इलेक्शन 9 का हो रहा है तो 10 सीटें कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए बीजेपी वहाँ पे डिफीट हो चुकी है। ऑपरेशन लोटस देश में सर क्या आज के देखिए, आज के 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, और 4 सीटों में ये फैसला हुआ है कि 50% सीट्स का अनाउंसमेंट पहले किया जाएगा और 50% सीट्स का बाद में किया जाएगा। और इन प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया है कि MLAs को फील्ड करेंगे।